आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का विज्ञान का अध्याय 10। ठीक है भाई, अध्याय 10 विज्ञान का अध्याय 10 गति एवं दूरियों का मापन। मतलब गति का माप, गति को कैसे मापा जाए और दूरियों को कैसे मापा जाए, डिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाए। ठीक है, स्पीड को और डिस्टेंस को। पहले तथा बुझो की कक्षा के सभी बच्चे के बीच ग्रीष्म काल जब गर्मी की छुट्टी आती है में भ्रमण किए गए स्थानों के बारे में सामान्य चर्चा हो रही थी। ठीक है, एक बच्चा अपने पैतृक गांव, अपने पैतृक मतलब अपना उसका पूर्वजों का जो गांव होता है उसे बोलते हैं पैतृक गांव। गांव पहले रेलगाड़ी से, पहले रेलगाड़ी ली उसने, उसके बाद वहां फिर बस, बस में यात्रा की, अंत में उसने बैलगाड़ी की यात्रा की, उसके बाद वह पहुंच पाया अपने गाँव। ठीक है, ठीक है। एक विद्यार्थी ने वायुयान से यात्रा की, वायुयान एरोप्लेन से। एक अन्य विद्यार्थी ने अवकाश के दिन अनेक दिन अपने चाचा जी की नाव में सैर करके अनेक मछली पकड़ने में व्यतीत किए। ठीक है भाई, उसने नाव के अंदर से आई की नार्क नाव के अंदर, इन सब ने कुल मिला के क्या करी, यात्रा की, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए हैं। ठीक है, चाहे माध्यम कोई भी रहा हो। इसके पश्चात अध्यापक ने विद्यार्थियों से समाचार पत्र में उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा जिनमें उन छोटे पहिए वाले वाहनों के बारे में वर्णन है जो मंगल ग्रह की धरती पर चलते थे और प्रयोग के लिए इन वाहनों को मंगल तक ले जाने का कार्य अंतरिक्ष यान द्वारा किया गया। अब देखो भाई, अंतरिक्ष यान और मंगल यान, मंगल पे क्या था भाई, मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह के ऊपर रोबोटिक्स के द्वारा एक छोटे छोटे पहिए होते हैं उसके द्वारा चलने वाली एक कंट्रोल कार होती है भाई, एक मशीन होती है रोबोटिक्स। ठीक है भाई, उसको भेजा गया और ये किसकी सहायता से, अंतरिक्ष यान रॉकेट की सहायता से। ठीक है, इसमें भी क्या होता है भाई, डिस्टेंस ट्रेवल की गई, एक दूरी तय की गई। ठीक है, यातायात की कहानी। अब देखो, प्राचीन काल में, पुराने समय में, प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे, कोई जो आधुनिक साधन दिखाई देते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो बच्चे अभी गए थे भाई, ट्रेन से, बस से, ये सारे के सारे प्राचीन काल में नहीं थे, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, वे पैदल चलते थे, पैदल ही यात्रा करते थे तथा अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे। ठीक है, अपना सामान कहाँ रखेंगे, अपने पीठ पर या सर पर रख के लेके जाते थे। बाद में मानव यातायात के लिए पशुओं का उपयोग करने लगा। पशुओं मतलब कि जैसे घोड़ों के ऊपर बैठ के जाने लगा और फिर बैलगाड़ियां बनानी शुरू कर दी। ठीक है, प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। जल मार्ग मतलब जो नदियां होती है, नदी होती थी उसके अंदर से नाव बना करके, ठीक है, नाव बना करके फिर ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, यात्रा करते थे जल मार्ग के द्वारा। आरंभ में लकड़ी के लट्ठों से जिनमें खोखली गुहिकाएं बनाई जा सके नाव बनाई जाती थी। इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के भिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया। ये भाई नाव का आविष्कार किस किस तरीके से दिन प्रतिदिन बदलते बदलते बनाया गया। ये नावें जल में रहने वाले जीव की आकृति के सुदृश्य थी। मतलब जिस प्रकार से मछली होती है ना भाई, एरोहेड में ऐसे तीर के निशान की तरह, उसी तरीके से नावों का करागे आगे से पतला रहता, कोनिकल रहता भाई, शंकु की तरह। पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। अब भाई बहुत बड़ा बदलाव आया जब इंसान ने पहिया बना लिया। जैसे पहिया बन गया तो उसके बाद बदलाव आया कि पहिया बन गया, अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहिए वाली गाड़ी को जानवरों से खींचा जाने लगा। ठीक है, सबसे चेंजिंग पॉइंट था जब पहिया बना। पहिया बनने के बाद ही आज तो पहिए के बहुत रूप बदल चुके हैं भाई। ठीक है, बहुत डिजाइन आ गए हैं पहिए में भी, व्हील। अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, पिछले हजारों वर्षों में पहिए के डिजाइन में सुधार किए गए हैं। पहिए पर चलने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। ठीक है, पशुओं को लगा दिया जाता था भाई, पहिए वाली गाड़ी बनाई जाती थी, उन्हें पशु खींचते थे, 1, 2, 3, 4। ठीक है, जितना भारी गाड़ी उतने ज्यादा पशु लगाए जाते थे भाई, रथ बनाना शुरू करा, बैलगाड़ी बनानी शुरू कर दी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक, 19वीं शताब्दी का मतलब है सन 1800। ठीक है भाई, सन 1800 के आसपास, 1800 ईस्वी तक। ठीक है भाई, 19वीं शताब्दी का मतलब।
वे प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहन के लिए पशुओं, नावों तथा जहाजों पर निर्भर करते थे। वाष्प इंजन, स्टीम इंजन आया भाई, भाप का इंजन आया इसने, और तेजी गति प्रदान की भाई, मानवों के यातायात में गति प्रदान करना। भाप के इंजन ने बहुत अहम भूमिका निभाई भाई, गति प्रदान कर दी। ठीक है, भाप के इंजन के आविष्कार से परिवहन परिवहन के नए साधनों का विकास हुआ। ठीक है भाई, जैसे भाप का इंजन मिला इससे नावें भी तेज चलने लगी, नाव में भी सेट कर दिया गया भाई स्टीम इंजन, और ट्रेनों में भी। भाप इंजन से चलित सवारी गाड़ियां तथा माल गाड़ियों के डिब्बे के लिए रेल की पटरियों का, देखो भाई रेल की पटरियां बिछाना शुरू कर दिया भाई। भाप का इंजन था, उस पर रेल की पटरी थी, पटरी के ऊपर क्या चलता था, ट्रेन चलती थी, उस समय बिजली नहीं थी भाई। ठीक है, साधन पुराने साधन ये है, परिवहन के कुछ साधन है भाई। पूछे जाए अगर परिवहन के साधन तो ये साइकिल, वायुयान, एरोप्लेन, पानी का जहाज, बैलगाड़ी, बस, ट्रेन, ठीक है, बहुत सारी हैं, कार, बाइक। ठीक है, इसके पश्चात मोटर कार, कार को ही बोलते हैं भाई, CAR, कार, कार को ही बोलते हैं, मोटर कार, ट्रक तथा बस जैसे स्वचालित वाहन आए। ठीक है, स्टीम इंजन के बाद ये स्वचालित वाहन आए, डीजल पेट्रोल डाला जाता है, CNG भी आई। ठीक है, जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाजों का उपयोग होने लगा। ठीक है, मोटर बोल्ट, मोटर से चलने वाली नाव और जहाजों का 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में वर्षों में वायुयान का विकास हुआ। ठीक है भाई, कब ये कब 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में वायुयान को भी इजाद कर लिया गया, खोज लिया गया। ठीक है, बाद में सुधार किए गए और इन्हें यात्री तथा सामान ले जाने योग्य बनाया गया। ठीक है, दो दो भाइयों ने बनाया था भाई वायुयान, राइट ब्रदर्स ने, फिर इसमें बदलाव किए गए कुछ, और फिर ये सामान ढोने के लिए और एक व्यक्ति को दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए बनाया गया। ठीक है, विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल, एक पटरी रेल, प्राध्वनिक सुपरसोनिक, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है ना, ये सुपरसोनिक फाइटर जेट होते हैं। ठीक है, लड़ाकू विमान, ये सभी सुपरसोनिक होते हैं। वायुयान तथा अंतरिक्ष यान 20वीं शताब्दी के कुछ योगदान है, ये 20वीं शताब्दी में, 20वीं का मतलब 1900, 1900 ईसा पूर्व में बनाया गया ये। ठीक है, सुपरसोनिक नया है, सुपरसोनिक वही जो वायुयान होते हैं, लड़ाकू विमान होते हैं ना, जिससे लड़ाई लड़ी जाती है, जंग लड़ी जाती है, वो होती है, मिसाइल होते हैं, उसको बोलते हैं सुपरसोनिक विमान, बहुत तेजी से चलते हैं, बहुत हाई स्पीड होती है। ठीक है, अंतरिक्षयान, स्पेस शिप जो आसमान में जाते हैं भाई, इसमें बैठ करके अंतरिक्ष में जाते हैं। ठीक है, यह सभी यातायात के साधन है, परिवहन के। यह डेस्क कितना चौड़ा है, अब भाई मापने की बात हो रही है, गति की तो बात हो गई, अब मापने की बात हो रही है। आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तय कर सकते हैं, अथवा स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता होगी। अब भाई ये कैसे पता लगाओगे आप कि हम पैदल जा सकते हैं स्कूल, या बस चाहिए, या ट्रक चाहिए, ट्रेन चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे पता चलेगा भाई तुम कितनी दूर जा रहे हो, अगर थोड़ी नजदीक में जा रहे हो, ठीक है, कुछ किलोमीटर में, 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में जाओगे तो भाई पैदल भी जा सकते हैं या साइकिल से जा सकते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा लंबा डिस्टेंस जाना है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो आप बस लेनी पड़ेगी, बस का उपयोग करना पड़ेगा, यातायात के साधन में बस का उपयोग करना पड़ेगा, किसी गाड़ी का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, बाजार जाते समय आप, बाजार कितना दूर है, अगर नजदीक है बाजार तो पैदल जा सकते हैं, नहीं तो किसी वाहन का उपयोग करा जाएगा। ठीक है, कई स्थान, कोई स्थान कितना दूर है, यह प्राय जानना महत्वपूर्ण होता है ताकि हम अनुमान लगा सके कि वहां पहुंचने के लिए हम कैसे जाएंगे, पैदल चलकर, बस से, रेलगाड़ी से, पानी के जहाज से, वायुयान से, अथवा कोई अंतरिक्ष यान लेना होगा। अंतरिक्ष यान तो बस केवल अंतरिक्ष में जाने के लिए ही लेना होगा भाई। ठीक है, अंतरिक्ष यान से आप धरती पे ट्रेवल नहीं करना है, इधर से उधर, वायुयान से कर सकते हैं, अंतरिक्ष यान से नहीं। ठीक है, बहुत महंगा भी पड़ेगा और नहीं भी है भाई। ठीक है, अब ये देखो भाई, ये डेस्क है, अगर मान लो दो दोस्त डेस्क के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, अब ये कहता है कि अगर मान लो कि भाई
ज्यादा कवर कर रखा है एक डेस्क का हिस्सा, तो क्या करोगे भाई, इसको डिवाइड कर दोगे, बीच में से आधा आधा कर दोगे। कैसे करोगे भाई, इसको नाप करके। नापने के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पहली और बुजो ने क्या यूज किया भाई, एक डंडा और एक गिल्ली, ठीक है, एक डंडा एक गिल्ली इधर, एक डंडा एक गिल्ली इधर, तो आधा आधा बट गया, ठीक है, गिल्ली डंडा से। अब भाई वो लकीर कुछ दिनों बाद मिट जाती है, फिर दोबारा लकीर खींचनी है भाई, डिवाइड करना है, बीच में से आधा आधा बांटना है। तो अब की बार वह गिल्ली डंडा था ना पुराने वाला, वो खो गया, अब की नया है गिल्ली डंडा, ठीक है। अब की गिल्ली डंडा के साइज में भी अंतर है, इधर एक गिल्ली एक डंडा रखा, फिर इधर एक गिल्ली और एक डंडा रखे, तो जगह पड़ गई भाई कम, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि तो हमारी या तो डंडा बड़ा या तो गिल्ली बड़ी थी, इसीलिए, ठीक है। हर जगह गिल्ली और डंडे से ही माप नहीं कर सकते। अब इसको हम नापने के लिए क्या उचित रहेगा भाई, इसको मापने के लिए या तो आप अपनी ज्योमेट्री से, ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स में से स्केल निकाल लो, स्केल से नाप के इक्वल इक्वल डिवाइड कर दो, नहीं तो फिर एक रस्सी लो, रस्सी को पूरा ऐसे लेंथ खोलो, फिर उसको हाफ कर लो, जैसे हाफ हो जाएगा मोड़ने के बाद जहां पहुंचता है वहां निशान लगा लो और अपना डिवाइड कर लो इसको, ठीक है। हाँ ठीक है, यही समझाएगा भाई, पैमाने में रस्सी का उपयोग करके हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि पुराने समय में ऐसा ही किया जाता था, रस्सियों से ही नापा जाता था, ठीक है। अब भाई नापना जरूरी क्यों होता है, देखो इसलिए होता है भाई, जैसे कोई टेलर है, दर्जी है, वो कपड़ा सिलने से पहले वो नापेगा कपड़े को, ठीक है, और आपकी लंबाई चौड़ाई भी नाप लेगा भाई, ठीक है, ताकि कपड़ा कम ना पड़ सके, या उतने में वो सिल पाएगा या नहीं सिल पाएगा, ठीक है, उतना आवश्यक है या नहीं, अगर नहीं होगा तो मना कर देगा, नहीं तो फिर वो सिल देगा। इसी तरीके से अगर कोई अलमारी बनाना चाहता है भाई, कोई बड़ी है कारपेंटर है, वो अलमारी बनाना चाहता है, तो पहले लकड़ी को नाप लेगा, फिर उसके बाद बताएगा अलमारी कितनी ऊंचाई कितनी चौड़ाई की बनेगी। अगर ज्यादा ऊंचाई चौड़ाई चाहिए तो भाई और लकड़ी लानी पड़ेगी, या उतने में हो जाएगी, और नापने के पश्चात ही बता पाएगा, उसको मेजर करेगा फिर बताएगा आपको, ठीक है। किसान अपने खेत की लंबाई चौड़ाई से उसका क्षेत्रफल निकाल लेता है, वो क्षेत्रफल क्या करेगा, उसी हिसाब से उस क्षेत्र के अंदर उतने ही वो बीज लगाएगा, उतने ही वो खाद डालेगा उसी हिसाब से, और उसको पानी भी उतना ही देना होगा। ये नहीं कि भाई थोड़ा सा क्षेत्र है छोटा सा और उसके अंदर बहुत सारे बीज डाल दिए, सारे पौधे उगेंगे तो नहीं रह पाएंगे भाई, कुछ पौधे अपने आप ही स्वतः ही खराब हो जाएंगे, ठीक है। कुछ मापन, देखो भाई मापन के लिए लंबाई चौड़ाई, ठीक है भाई, बहुत तरीके होते हैं नापने के। जैसे ये नापा जाता है भाई, बलिष्ठ से नाप रहा है भाई ये, ठीक है भाई, एक बलिष्ठ दो बलिष्ठ तीन बलिष्ठ ऐसे नाप लिया जाता है ना भाई, या मुट्ठी बंद करके भी नाप लेते हैं, बहुत तरीके होते हैं भाई, अपने अपने जुगाड़ होते हैं नापने के, ठीक है। लेकिन सही माप किससे होता है भाई, अगर मापक यंत्र हो तो कोई, ठीक है भाई, जैसे कोई स्केल हो फीता हो, उसे नापना ज्यादा सरल रहता है और अच्छा रहता है, ठीक है भाई। अपना मात्रक होता है भाई, जैसे कि ये एक बिलात, ठीक है भाई, ये बलिश जो है एक दो तीन इस हिसाब से बांट दिया जाता है, एक कदम से नाप के, एक कदम दो कदम, ठीक है, उस तरीके से भी बांट दिया जाता है, ठीक है। मेज की चौड़ाई मापना हो गया भाई ये, ठीक है, ये बता दिया इसके अंदर जो लिखा था। मापन के मानक मात्रक, मात्रक क्या होता है भाई, यही होता है प्राचीन काल में पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी, सभी मापक का मापक मात्रक के रूप में सामान्य योग होता था, ठीक है। ये सभी का उपयोग किया जाता था सामान्य रूप से मापन के लिए। हड़प्पा सभ्यता आपने SST में पढ़ा होगा, सामाजिक विज्ञान में हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वहाँ पे किस प्रकार के नालियाँ सड़कें रोड सभी बनी हुई थी भाई, ठीक है, और सभी नाप तोल के बढ़िया से बनाई गई थी, सभी सड़कें चौराहे की तरह से मैच करते थे भाई, ठीक है, सारी सड़कें एक दूसरे से मिलती थी, चौकोर थी, लाइन सीधी नहीं है भाई, ठीक है भाई, ऐसे कॉलोनी वैसी थी, सारी गलियां एक दूसरे से खुलती थी, मिली हुई थी, ठीक है। ठीक है, ये हो गया कि संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे। भाई देखो संसार में लंबे ज्यादा स्तर पर लंबाई को नापने के लिए फुट का उपयोग किया जाता है, ठीक
ठीक है, फुट का फुट सिमिलर होता है, कई कई स्थानों पर बदल जाता है फुट, ठीक है, थोड़ा 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 बहुत फर्क आता है, ज्यादा नहीं। रोमवासी, रोम अभी इटली है भाई, रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई नापते थे, अपने कदम चल करके 1 कदम 2 कदम कदमों से नाप लेते थे भाई लंबाई, ठीक है। शरीर के बहुत से भागों से हाथों से नापा जाता है भाई, ठीक है, लंबाई। और कई होते हैं भाई अपने हाथ से लेकर के अपने ठोड़ी तक ले जाते हैं भाई, 1 मीटर का उस हिसाब से मान नाप लेते हैं, मीटर का हिसाब मान लेते हैं। अब भाई 1790 में फ्रांसिसियो ने मापन की एक मात्रक प्रणाली की रचना की जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। तो मीटर पद्धति कहाँ से है भाई? फ्रांस से ही, फ्रांसिसियो ने इसका ईजाद किया था। इसको क्या जाता है? एसआई मात्रक, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। एसआई मात्रक मापने के लिए मीटर होता है भाई, एसआई मात्रक, ताकि इंडिया में जितना मेजर क्या नापा जाए वही जाकर किसी और कंट्रीज के अंदर उतना ही हो उसका साइज। ये नहीं कि यहाँ पे 1 मीटर कुछ हो रहा है और दूसरे किसी कंट्री में 1 मीटर और अधिक हो या कम हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 1 मीटर में कितने? 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, mm छोटा होता है, ठीक है। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। लंबाई की यथार्थ परिशुद्धता माप। अब भाई लंबाई कैसे मेजर करोगे? ऐसा नहीं है स्केल लगा लिया और नाप लोगे भाई, कुछ तरीके होते हैं, कुछ प्रिक्यूशंस होते हैं, वो ध्यान रखना पड़ेगा जब भी नाप पाओगे, नहीं तो कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा उसके अंदर, अशुद्धि आ जाएगी नापने में, फिर सोचोगे हमने तो सही नापा था लेकिन ये ज्यादा या कम कैसे हो गया भाई, ठीक है। देखो कैसे, जैसे कि ये नापा जा रहा है इस चित्र के अंदर, ये बिल्कुल टच करके रखना और स्केल को सीधा रखना है, ठीक है। जैसे इसमें टेढ़ा रखा है ना स्केल, ये गलत है, बिल्कुल सीधा रखना है स्केल, ठीक है, और चिपका के रखना है, तभी मेजर कर पाओगे भाई कितना है। अगर टेढ़ा रखोगे तो नहीं हो पाएगा भाई मेजर, ठीक है, कुछ एरर आ जाएगा भाई, 1-2 mm को ऊपर नीचे एरर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा कि इसको आगे से लगाना है, जैसे इसके अंदर बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया है ना भाई, 0 लिखा नहीं होता, 0 लिखने की जगह ही नहीं होती, इसीलिए 0 से यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 से शुरू करो गिनती, 1 2 3 4, तो ये गलत है भाई, ठीक है, ये गलत तरीका है। तो ये तरीके, इसी तरीके से नापना है, अगर आप कपड़ा नापते हो चाहे कोई पत्थर नापते हो, कुछ भी नापोगे इसी हिसाब से नापना है, ठीक है, ठीक है। अब भाई आपकी नजर जो होनी चाहिए बिल्कुल इसके स्ट्रेट में होनी चाहिए, इसके बिल्कुल सीधे में, तभी तो आपको ये दिखेगा, नहीं तो इधर से देखोगे तो 7 6 ये ऐसा दिख जाएगा, 6.5 6 8.5 ऐसा कुछ दिखाई देगा टेढ़ा से, बिल्कुल उसके फ्रंट में होना चाहिए एकदम, तो सामने मध्य में, अगर सही तरीके से नापना है तो, ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ अंतर आ ही जाएगा। किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। किसी वक्र रेखा, कोई टेढ़ी रेखा है, उसकी लंबाई कैसे नापी जाएगी भाई? जैसे ये नापने की कोशिश कर रहे हैं धागे की सहायता से, किसी वक्र रेखा की लंबाई नापना है, टेढ़ी लाइन है ना भाई, इसको नाप रहा है भाई, ऐसे ऐसे नाप करके इसके ऊपर ऐसे धागा लेटाएगा भाई, उस धागे को नाप लेगा और धागे की लंबाई जो होगी वही इस रेखा की लंबाई होगी, ठीक है। हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं, हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं सब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते रहते हैं भाई, ठीक है। और सरल रेखा मतलब कुछ सीधी लाइन में गति कर रहे होते हैं, कुछ टेढ़ी लाइन में गति कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि चींटी है, यहाँ से अभी गति करते करते, ठीक है भाई, अपने हिसाब से गति कर रही है, तो ये गति के तरीके होते हैं भाई, ठीक है, गति के प्रकार। ये सरल रेखा में गति कर रहे हैं, बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, ये भी सीधे जा रहे हैं भाई, कंटिजेंट, सरल रेखा गति के कुछ उदाहरण, ठीक है भाई। जो गाड़ियां हैं वाहन है उसी तेज जा रहे हैं, अगर टेढ़ी मेढ़ी चलाएंगे तो क्या होगा भाई? जिगजैग ड्राइविंग, लाइसेंस जब्त हो जाएगा भाई, ठीक है, चालान कट जाएगा। ये सीधी रेखा में डिसिप्लिन में चलते हैं, एक के पीछे एक सीधी रेखा में, यानी कि बाजार में घूम रहे हैं अपनी मर्जी से कहीं भी, ठीक है। सेना के जवान, और ये कौन सी गति कर रहा है? ये बैल है भाई, पानी निकालने की एक कला है भाई, ठीक है, पहले निकाला था तो ट्यूबवेल मोटर से निकाल दिया जाता धरती में पानी। ये है भाई वर्तुल गति, ठीक है भाई, वर्तुल गति मतलब कि राउंड राउंड राउंड, जैसे पंखा, ठीक है, ये भी गोल गोल राउंड करेगा, ठीक है, वर्तुल मतलब सर्कल मोशन, ठीक
है। इस प्रकार की गति को वर्तुल्य गति कहते हैं भाई, सर्कल मोशन कहते हैं, बिजली का पंखा, इलेक्ट्रिक फैन जो होता है भाई, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि इधर उधर घूमता रहेगा, ठीक है, कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहेगा, ऐसा नहीं है। ये अपने स्थान पर रहेगा लेकिन इसके पंखड़ियां मूव करती रहेगी, ठीक है। अंतराल के बाद अपनी गति के दौरान है भाई, देखो भाई आवर्ती गति, सिंपल साधारण भाषा में भाई, जैसे कि घड़ी के नीचे ये है भाई, तो इसकी घंटी लोला कहिए, ये जैसे समय पूरा होता है भाई तो ये अपने स्थान छोड़ के आगे पीछे होता है, लेकिन फिर वापस तो अपने स्थान पे आ जाता है। इसी तरीके से घंटी अपना स्थान छोड़ के आगे पीछे होती है, बजती है, फिर वापस वही। तार के अंदर भी अगर टच करोगे तो हिलता है अपने स्थान पर, वाइब्रेट होता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ऐसे तबले को बजाओगे तो ऐसे ये भी वाइब्रेट होगा भाई, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। इसको बोलते हैं आवर्तित गति, जो आगे जाए फिर पीछे आए फिर वापस अपने स्थान पर पहुंचे, ठीक है। इसमें इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी अथवा तीव्र गति कर रही है। फर्श पर घोंघे का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी का प्रभावित होना, वायुयान का वायु में ऊंचाइयों पर उड़ना, पृथ्वी के परे चंद्रमा द्वारा गति करना, पृथ्वी के बाहर है चंद्रमा वो भी गति कर रहा है, हमारे शरीर के रुधिर मतलब कि रक्त ब्लड का परिसंचरण, हमारे शरीर में हर जगह फैलता है चलता रहता है ब्लड आदि सभी उदाहरण हमारे चारों ओर अनेक स्थान पर होने वाली गतियों गतियों को दर्शाते हैं, ठीक है भाई। सारे मोशन को दर्शाते हैं, गति को दर्शाते हैं, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हमने जाना, इसके अंदर हमने जाना भाई कि गति के बारे में और मापन के बारे में, किसी चीज को कैसे नापना है, क्या सही तरीका होता है मापने का, कैसे नापते हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, सभी हमने पढ़ा है इसके अंदर, ठीक है। और बिना स्केल के कैसे मापना है, ये सभी हमने पढ़ दिया भाई इस चैप्टर के अंदर, ये क्लियर हो गया। अगर कोई पॉइंट छूटे हों, कुछ समझ में नहीं आया हो, किसी पॉइंट को और डिटेल में समझना हो, तो आप कमेंट करना, फिर हम उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलो करते हैं भाई।